की बात करें तो मुख्तार अंसारी जो विधायक रहे मऊ के, अब इस दुनिया में नहीं रहे, रुखसत हो गए इस दुनिया से, तो क्या लगता है उनके भावनाओं में लोग वोट देंगे उनको? हाँ, वो मसीहत है। हाँ, मुख्तार अंसारी मसीहत है गरीबों की। जोगा में जो है 300 जोगा में जो है 300 जो है हरिजनों की बस्ती को फूंका गया जा करके, मुख्तार अंसारी खड़ा हुए और चार चार लाश कौन नाला उसमें से छनवा करके निकाले और वहाँ से जो है लोगों का जान बचाए, वो गरीबों की मसीहा न थे क्या थे? बढ़ गई है। आप लोग सटा देते सिर्फ कि 5 किलो राशन और ये आप लोग कभी नहीं। हम तो ये भी बोलते हैं कि 5 लाख रुपए जो है कि बीमारी, जब बीमार होते हैं लोग तो फिर हमें दवाई करवाते हैं। आपको सुनिए, योजना थी जब सरकार भी बोलते हैं कि 4 लाख जो है कि किलोमीटर पूरे भारत में रोड बनवा दी ये लोग बीजेपी। हम कह रहे हैं आपसे कि 5 KG और 5 लाख जो पैसा मिल रहा है, इससे पहले भी अगर आपको पता होगा जो मिलती थी विधायक निधि से, अगर किसी की बीमारी से कोई क्षतिग्रस्त हो जाता था, जब विधायक अपना लेटर पैड लिख कर देता था कहीं, तो उसको पूरा पैसा पे होता था। इस सरकार में उसका सिर्फ आधा पैसा मिल रहा है। इस पे तो भाई साहब, श्री राम को लाने वाले आप कौन होते हैं? श्री राम से बड़े हैं क्या आप? जब श्री राम को आप ला सकते हैं तो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या को क्यों नहीं लाए? नमस्कार दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हूँ और जो मार्केट है ये मोहम्मदपुर चट्टी आती है। और आपको बता दें कि 2 चरण अभी बाकी है, 25 तारीख वाली और 1 तारीख वाली। हमारे यहाँ जो है कि ये जहाँ जिस जगह पे हैं वहाँ पे 1 तारीख को जो है कि चुनाव यानी कि वोटिंग पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय जी को टिकट मिल चुका है और समाजवादी पार्टी यानी SP पार्टी से अफजाल अंसारी जी को टिकट मिला है और BSP पार्टी से यानी बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर उमेश सिंह को टिकट मिल चुका है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 2024 के चुनाव में क्या माहौल चल रहा है। सच सभी तक सच खंगालने के लिए आ चुका है। यहाँ इधर से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय यादव। क्या लगता है, यादव जी हैं तो यानी कि सपा ही पार्टी होगी? जी। तो सपा पार्टी को यानी कि यहाँ पे माहौल क्या है ये बताइए। यहाँ अफजाल जी का माहौल है। अफजाल जी माहौल है। 5 साल रह चुके हैं, कुछ विकास किए हैं कि नहीं? बहुत विकास किए हैं। कुछ बताएंगे? क्या विकास के बारे में पूछना चाहते हैं? कुछ भी विकास उकास किए होंगे अफजाल अंसारी तो? बहुत रोड बनवाए हैं, बराही से और पलहीपुर का पिच करवाए हैं और बहुत ऐसा योजना था कि हर योजना में काम किए हैं। अच्छा, यानी विकास यानी कि जेल में रहते हुए भी जो है कि उन्होंने विकास किया? जी, 300 कुछ मीटर का पिच की काम कराए थे वो। तो भाजपा राशन वोशन दे रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं जयराम सिंह यादव। यादव जी है तभी तो पूछना ही नहीं है। अफजाल को ही? अफजाल ही है, जिंदाबाद। भले से जो है कि मुड़ी का जो है कि पड़ जाए मशीन, बात नहीं है। अफजाल बहुत भले आदमी है, जन सेवक है और गरीबों की मसीहा भी हैं। अफजाल जी नेता हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से टिकट लेके आए हैं गठबंधन से। बहुत भारी मतों से उनकी जीत होने जा रही है। अच्छा, क्या लगता है BSP पार्टी से? वो तो अभी सांसद हैं BSP पार्टी से और प्रत्याशी बन गया सपा पार्टी में जाकर, तो दलितों का वोट जो है कि इनके पर चढ़ेगा? दलित क्यों नहीं वोट करेगा? संविधान की बात है। भारतीय जनता पार्टी खुलकर बोल रही है कि 400 पार हमको जिता दो, हम संविधान बदल देंगे। तो संविधान पर ही पूरा देश चल रहा है। यदि संविधान ही बदल देंगे तो जब उनका संविधान लागू होगा तो कहीं हमारे देश पर गुलामी का खतरा है। इसलिए सब लोग वोट समाजवादी पार्टी या गठबंधन को दे रहे हैं। जहां गठबंधन के प्रत्याशी हैं वहां, और जहां समाजवादी पार्टी के लोग हैं वहाँ सारे के सारे, पूरे देश का माहौल इस समय संविधान के ऊपर टिका हुआ है। 5 लाख रुपये जो है कि भारतीय जनता पार्टी दे रही है आयुष्मान कार्ड के वजह से जो बीमार पड़ रहे हैं लोग, उनको 5 लाख रुपये का फ्री दवाई करवा रही है, इससे कोई प्रभाव नहीं है। रोड बनवा दिए, 4 लाख किलोमीटर पूरे भारत में रोड बन गया। भारतीय जनता पार्टी इतना काम किया, आप कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं? भारतीय जनता पार्टी जमीन पर कोई काम नहीं किया है, सब कागज पर काम किया है। और सर जो लोग अब 5 लाख रुपये बात कर रहे हैं इलाज के लिए, हम तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसमें
हमारे नेताओं ने घोषणा किया है कि हम 25 लाख रुपए तक का इलाज कराएंगे, यानी कि 8,500 रुपये जो है कि जो दे रहे हैं महिलाओं को, वो लोग महिलाएं प्रभावित होंगी उससे। मुख्य बात संविधान बदलने की है, संविधान बचाने की है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो संविधान पर हमेशा उसका दिमाग लगा रहता है, उसके दिमाग में हमेशा उसकी नीयत खराब है। पिछड़े दलित और दबे कुचले लोगों को और दबने कुचलने के रास्ते पर ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। यानी सबसे बड़ा जो खतरा है भैया वो संविधान का खतरा है। चलिए, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंद्रिका चौहान है। देखिए, और जाने की जो बात है ना, तो हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी चौहान जी लोग भी समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं? नहीं, नहीं। क्या समझ? बात समाजवादी पार्टी की नहीं है, जिसकी विचारधारा से हमारी विचारधारा मिलती हो उसको हम पसंद करते हैं, ठीक है ना। आज के तारीख में देखा जाए तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है और चौहान समाज को कहीं सम्मान नहीं मिलता है। चौहान समाज की कहीं ना कहीं पीड़ा लेकर हम लोग घूमते हैं। समाज का कैसे उत्थान हो उसके बारे में हम हमेशा सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं पूरे देश की बात नहीं करूँगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूँगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीट में से हमारे समाज के लोग काफ़ी 95% वोट करते हैं, लेकिन एक भी टिकट देने का काम नहीं किया उसने। तो जो हमें सम्मान नहीं देगी, हम उसके साथ कैसे रह सकते हैं? तो समाजवादी पार्टी कहाँ पे जो है, कहाँ कहाँ दी है टिकट? देखिए, समाजवादी पार्टी विधानसभा में भी टिकट दिया था और पिछले लोकसभा में भी टिकट दिया चंदौली से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी से सम्मान नहीं देती है। हमारे समाज के लोग काफ़ी, मतलब भारतीय जनता पार्टी में प्रभुनाथ चौहान जी रहे, वो उनके जीवन का अंत हो गया लेकिन आज तक कोई सम्मान नहीं मिला। अब देख लीजिए, मुंबई से उठाकर कृपा शंकर सिंह को ला दिया गया, लेकिन वही एक हमारे मित्र हैं 32 साल से भारतीय जनता पार्टी में हैं, चंद्रप्रकाश चौहान, ठीक है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी मुंबई से उठाकर किसी मतलब ठाकुर को ला करके यहाँ से चुनाव लड़ा सकती है तो चौहान को क्यों नहीं लड़ा सकती? तो जब वो चौहानों के ऊपर ध्यान नहीं देगी तो हम उनके ऊपर ध्यान क्यों देंगे? और बात रही समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला है हम लोगों को। समाजवादी पार्टी की वजह से मेरा जो गांव है, ग्राम सभा मोहम्मदपुर करसाही, लोहिया और जनेश्वर मिश्र दोनों मिला है। उसके अलावा मैं मेरे पर्सनल संबंध से बोल रहा हूँ कि विजय यादव जी MLC साहब थे, उनके माध्यम से भी हमने हमारे गांव में ला करके काम करवाया। तो ऐसे लोगों का तो सम्मान करना ही पड़ेगा। मैं BSP की बात करें, थोड़ा हमारे लीजिए BSP की बात करें तो जो है कि कहा जाता है एक सफाई कर्मी का सबसे बड़ा वैकेंसी जो है कि BSP पार्टी में हुआ था, उसको क्यों नहीं आप लोग पसंद करते? भारतीय जनता पार्टी को भी पसंद करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। उसके बाद तमाम सारे जो योजनाएँ, बढ़िया बढ़िया योजनाएँ BSP पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, मोदी की गारंटी कोई पूरी नहीं हुई, 10 साल में कोई गारंटी नहीं पूरी हुई, तो अब किस बेस पे हम माने कि ये वाली गारंटी वो पूरी करेंगे? क्योंकि गारंटी देना उनका एक झूठ वादा है, झूठे बोलते हैं। अभी जैसे बोलते हैं कि नहीं, जिन्होंने श्री राम को लाया है हम उनको लाएंगे, कहते हैं कि हम श्री राम को लाए हैं। अरे भाई साहब, श्री राम को लाने वाले आप कौन होते हैं? श्री राम से बड़े हैं क्या आप? जब श्री राम को आप ला सकते हैं तो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या को क्यों नहीं लाए? और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, जिनको अपना पूर्वज मानते हैं हम लोग, उनकी अस्थि आज तक क्यों नहीं ला सके? कांधार से उनकी एक अस्थि नहीं ला सके, आप बोलते हो कि मैं श्रीराम को लाया हूँ, तो कितना गलत बात है, गलत है कि नहीं है? आप जब भगवान श्रीराम को ला सकते हैं तो मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी को भी ला सकते हैं। और आपसे उनको लिखित दिया गया था कि कांधार से पृथ्वीराज चौहान की अस्थि को लाई जाए, लेकिन नहीं ला सके। मूर्ति के लिए भी बोला गया था तो एक मूर्ति नहीं लगा सके, तो उनकी गारंटी को कैसे माने कि उनकी गारंटी पूरी हो सकती है?
अरे मंदिर को मंदिर बनवा दिए 500 सालों से जो है कि अटका हुआ था वो मामला, मंदिर बनवा दिए, इतना बड़ा काम कर दिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। ये कौन कहता है कि ये हिंदू राज्य नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है? हम हिंदुस्तानी हैं। चलिए भैया, ही नहीं बोल पा रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, आपका हिंदू पीएम, आपका जो है कि अगर सीएम की बात करें तो हिंदू सीएम, अगर जिले में अगर आपकी बात करें डीएम की बात करें तो वो भी हिंदू। तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से इनका प्रश्न ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि कहाँ से हिंदू खतरे में, सही बात है ना? कोई खतरे में नहीं, अगर खतरे में है तो बीजेपी की सरकार खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है ना कोई। 400 पार खतरे में है। हाँ, 400 पार खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। चलिए भैया, 400 पार खतरे में है, पता ना। अच्छा आप ही बताइए कितना सीटी लोग ला रहे हैं? देखिए अब इतना आकलन हम नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नहीं, गाजीपुर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी। लोग परिवर्तन के हिसाब से देख रहे हैं, परिवर्तन के नज़रिए से देख रहे हैं, इस हिसाब से जो कि यहाँ की सीट तो समाजवादी पार्टी को जा रही है। और लगभग बातें होती हैं लोगों से, लोग कह रहे हैं कि सरकार बदल रही है और वही खतरा है, उसी का खतरा है, बाकी कोई खतरा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? कहाँ चाचा जी, क्या नाम है? हमारा नाम कल्पना। क्या लगता है किसका माहौल चल रहा है गाजीपुर? ये चुनावी माहौल के अंतर्गत ये नहीं कहा जा सकता है कि किसका माहौल चल रहा है किसका नहीं। अब हम लोग तो घर पर रहते हैं, हम लोग तो ज़्यादा प्रचार प्रसार में नहीं रहते हैं, लेकिन जिसकी मानसिकता जहाँ बन गई है तो आज जो है छिपे तौर पर वोट पड़ रहा है, कोई अपनी मत को बताता नहीं। अब खुले लोग होते हैं तो खुलकर बात करते हैं, लेकिन आज माहौल को मैं कैसे कहूँ कि नहीं किसका माहौल अधिक है किसका। अच्छा, 5 किलो राशन दे रही है सरकार, उस पर कुछ कहना चाहिए? राशन की बात हम नहीं मानते, राशन कोई सरकार दे कुछ भी दे, लेकिन बात यह है कि आज चुनावी प्रक्रिया चल रही है, चुनाव इलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत सब लोग अपनी अपनी विजय बताएंगे। देखिए पक्षपात की बात होती है, कोई किसी मत को मानता है, किसी पक्ष को मानता है, कोई किसी पक्ष को, तो जहाँ आप जाएंगे तो अपने पक्ष यानी खोल के नहीं बताएंगे, नहीं अपने पक्ष की बात, जो खुले हैं वो अपने पक्ष की बात करते हैं, साफ कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो माहौलवा तो बताइए किसका है, तो माहौल हम कैसे देख रहे हैं? हम तो दोनों रोटी खाएंगे और जो है कि ऐसे ही जिंदगी बिता, नहीं माहौल वो पाएंगे माहौल वो पाएंगे जो कि नेतागिरी में घूमते हैं एक गांव से वो गांव में और मिलाते हैं, लेकिन हम माहौल नहीं बताएंगे। चलिए, क्या नाम है? अमरजीत चौहान। क्या लगता है कि किसका यहाँ पे माहौल है? माहौल यहाँ जो है गठबंधन का है। कौन सा गठबंधन? एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन। अच्छा, यानी इंडिया इंडिया में जो है कि बहुत लोग जो है कि इसमें घबरा रहे हैं, इंडिया गठबंधन। अच्छा, तो किस आधार पे इनका माहौल है इस बात का? माहौल जो 10 साल से देश में जो बेरोजगारी फैली है ये तो बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी के बेरोजगारी पे आप कह रहे हैं, तो बेरोजगारी पे ले लिया जाए तो दिनेश लाल निरहुआ कहे हैं कि 8-8 बजे अपने तो बेरोजगार हो आप, और उसके बाद 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको भी बेरोजगार बना रहे हैं। आप देख रहे हैं योगी मोदी बच्चा पैदा किए हैं, ये तो बेरोजगारी पहले से ख़त्म कर रहे हैं। जो वो श्री राम जी को जो लाए हैं वही उनको सद्बुद्धि दे सकते हैं। अब उनकी बुद्धि और सद्बुद्धि की मैं कामना करता हूँ कि श्री राम उनको सद्बुद्धि दें, क्या बोला जाना चाहिए। उनको ये पता नहीं है कि सब लोग यदि योगी और मोदी ही हो जाए तो फिर कौन यहाँ रहेगा। अरे तो जो 500 साल के बाद लाया है उसी को लाना चाहिए, कोई जरूरी थोड़ो यही 500 के बाद उनको थोड़ो लाए हैं। राजा दशरथ क्यों पैदा हुए थे? अरे हम तो मान लेंगे राजा दशरथ राम को लाए थे, अब बिछवा में ना जाने कहाँ से राजा दशरथ पैदा हो गए, अब हमको तो नहीं पता है इसका। यानी मोदी जी दशरथ हो गए, अब वो अपने आप दशरथ बन जाए, जो भी वो तो कुछ भी बन सकते हैं, तो भाई उनकी बात तो मैं नहीं कर सकता। चलिए भैया, जो राम को लाए हैं उनको नहीं लाएंगे, क्या नाम है आप? बिरादरी से मतलब नहीं है हमें, बेरोजगार और रोजगार से मतलब है, जात बिरादरी से नहीं मतलब, हमें रोजगार चाहिए, जो रोजगार देंगे उन्हीं को हम लाएंगे। तो यानी कि जो राम को लाएं उनको नहीं लाएंगे, जो बेरोजगारी को ख़त्म करके रोजगार देंगे उनको लाएंगे। हाँ, जो रोजगार देंगे उन्हीं को हम लाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव। क्या लगता है किसका माहौल? इसमें गठबंधन का माहौल है।
कैसे गठबंधन, सभी लोग सपा पार्टी के लोग हैं क्या यहाँ? नहीं, ये पार्टी वाली बात नहीं है। हाँ, जो जहाँ से जुड़ा है वो जुड़ा है, और जो नहीं जुड़ा है उसकी व्यक्तिगत बात है, ठीक है ना। ये पार्टी वाली बात नहीं है। और जहाँ तक आप गठबंधन वो बार कहें कि नहीं सभी समाजवादी पार्टी के, नहीं, यहाँ तमाम हर लोग के हैं, हर बिरादरी है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी इंडिया गठबंधन को इस बार जिता देंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। यादव जी है तो पूछना ही नहीं है। पूछना ही नहीं, समाजवादी पार्टी पार्टी को देंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे, नहीं होगा। हाँ, बीजेपी में भी यादव लोग हैं? हाँ, यादव एक्का दुक्का है। हाँ, इस तरह इंडिया गठबंधन लाएंगे। क्या नाम है आपको? मेरा नाम श्री राम यादव है। श्री राम जी, तो क्या लगता है राम जी को जो लाए हैं उनको लाएंगे कि नहीं? राम जी को तो कोर्ट लाई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाया है कि वो कहाँ राजा दशरथ बनकर के पैदा थे कि राम को लाए। हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है राम जी को लाया कि वो लाए। हाँ, यानी कि ये तो अपने श्रेय लेते हैं कि हमने लाया है। श्रेय लेते हैं, ये दुनिया जानती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है राम मंदिर बना है। हाँ, अरे जब कांग्रेस थी तो जो है कि पूजा करने के लिए वो गेट खुलवाई, तो कहा गया कि कांग्रेस ने जो है कि गेट खुलवा दिया जो है कि राम जी का, और लोग पूजा करने जा रहे हैं। अब तो जो है कि मंदिर बनवा दिए हैं जो है कि मोदी जी, तो मोदी जी का नाम ना होगा? मंदिर बनवाए हैं मोदी, मंदिर बनवाए हैं कि हमारा और आपका पैसा उसमें लगा है, मोदी उसमें पैसा दिए हैं बनवाने के लिए मंदिर में। कोर्ट के फैसले पर जो है आम जनता का जो है चंदा के पैसे से जो है वो मंदिर ना अधूरे जो है कि राम मंदिर जब बना, अधूरा बना है अभी तो जो है कि तब तक स्थापना हो गया उनका, वो अपना श्रेय स्थापना हुआ। हालांकि मैं जहाँ तक जानता हूँ हिंदू धर्म को, कि अगर मंदिर में अगर कोई मूर्ति बैठती है तो उसे स्थापना नहीं किया कहा जाता, उसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, लेकिन ये लोग स्थापना कह रहे हैं। वो बरियाई से जो ना तो उनका दल आके तीनों, हाँ, हिंदुस्तान के तीनों संकरा मना करते रह गए, लेकिन आकर के बरियाई से कोर्ट का लाभ लेने के लिए कर दिए। हाँ, चारों जो है कि जो शंकराचार्य हैं ये लोग मना कर दिए, मना करते रहे कि ये अधूरा मंदिर है, अभी इसका शिलान्यास या चाहे उसमें ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बरियाई से जो है अपना कर दिए, अपना वोट का लाभ लेने के लिए। उसके आधार पे यानी राम मंदिर के आधार पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, राम मंदिर के नाम पर तो वोट उनको नहीं मिलने जा रहा है। कहाँ मिलने जा रहा है? कहाँ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर जो है वोट मिलने जा रहा है? अब की बार नहीं वोट मिलने जा रहा है। गाजीपुर की बात करें तो मुख्तार अंसारी जो विधायक रहे मऊ के, अब इस दुनिया में नहीं रहे, रुखसत हो गए इस दुनिया से, तो क्या लगता है उनके भावनाओं में लोग वोट देंगे उनको? हाँ, वो मसीहत है। हाँ, मुख्तार अंसारी मसीहत है गरीबों की। जोगा में जो है 300 जोगा में जो है 300 जो है हरिजनों की बस्ती को फूंका गया जा करके मुख्तार अंसारी खड़ा हुए और चार चार लाश कौन नाला उसमें से छनवा करके निकाले और वहाँ से जो है लोगों का जान बचाए, वो गरीबों की मसीहा न थे क्या थे? ब्रिजेश सिंह को और त्रिभुवन सिंह को क्यों नहीं वो कहते हैं लोग माफिया कहते हैं? वो माफिया थे कि गरीबों की मसीहा थे? यानी मुख्तार अंसारी माफिया मसीहा थे? मसीहा थे। चलिए भैया, क्या नाम है चाचा जी? मेरा छोटे लाल कन्नौजिया। जानते हैं इसमें चुनाव चला था कि ना? चल रहा है। हाँ, तो क्या लगता है किसका मार? भाई कांग्रेसी हूँ मैं, पहले से आज भी हूँ, कांग्रेस के तरफ रहूंगा बार बार। हाँ, मरते दम तक रहूंगा। चलिए भैया, कुछ लोगों में अभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिंदा है, लेकिन लग रहा है कि दोबारा जिंदा हो जाएंगे ये लोग? हो सकता है, हो सकता है दोबारा जिंदा हो सकते हैं, बाकी मैं कांग्रेसी हूँ, मैं साफ कर रहा हूँ, इतना समाज सुन नहीं है, मैं कांग्रेस। कांग्रेस का कौन योजना बताई वहाँ? कौन योजना बताई कांग्रेस को? कांग्रेस की बहुत योजना की, आज जो है इंदिरा गांधी थी वो भी कितनी थी, क्या कह रहे हैं? जो राशन चिल्ला रहे हैं आप मीडिया वाले लोग कि 5 किलो राशन मिल रहा है, ये कांग्रेस की ही देने की 5 किलो राशन मिल रहा है, तो पता कर लीजिए। फ्री में ना दे रहे हैं? अच्छा, फ्री में दे रहे हैं, एक मिनट, वो फ्री में दे रहे हैं दादा, सुनिए एक बार, जो छेड़ दिए फ्री में दे रहे हैं। खाद कितनी मिल रही है? 40 किलो है, 40 वजन। क्या हुआ, 5 किलो राशन का दाम कितना है बताइए? सरकारी रेट से 5 किलो राशन का दाम कितना हुआ? फ्री में ना ये दे रहे हैं, रेट से क्या मतलब? रेट बताइए, हम बता रहे हैं आपको। सिलेंडरवा जो है तो 1200 का देना 400 से। हाँ, ये 5 किलो राशन का दाम अगर 20 की रेट से जोड़े तो 5 × 10 = 200 लगभग होगा, और उसके बाद 10 के लिए देश का जी खाद का दाम निकाल लीजिए कितना हो रहा है, उसका दाम निकाल कर आप खाली आप लोग सटा महंगाई बढ़ गई है।
आप लोग सटा देते सिर्फ की 5 किलो राशन और ये आप लोग कभी नहीं। हम तो ये भी बोलते हैं कि 5 लाख रुपया जो है कि बीमारी जब बीमार होते हैं लोग तो फिर हमें दवाई करवाते हैं। आपको सुनिए योजना थी जब सरकार भी बोलते हैं कि 4 लाख जो है कि किलोमीटर पूरे भारत में रोड बनवा दी ये लोग बीजेपी। हम कह रहे हैं आपसे कि 5 केजी और 5 लाख जो पैसा मिल रहा है इससे पहले भी अगर आपको पता होगा जो मिलती थी विधायक निधि से अगर किसी की बीमारी से कोई क्षतिग्रस्त हो जाता था जब विधायक अपना लेटर पैड लिख कर देता था कहीं तो उसको पूरा पैसा पे होता था। इस सरकार में उसका सिर्फ आधा पैसा मिल रहा है। इस पे तो अब मुद्दा नहीं उठाएंगे। 80 लाख लोगों को जो है कि घर बनवा दिए ये लोग। इससे पहले क्या बना था? लोहिया आवास मिल रहा था ये लोग कितने देर 1,20,000 से 30,000 दे रहे हैं उसमें से भी कुछ करते करते जो जिसका आवास आ रहा है 1,20,000 तक पाते पाते उसको जोर हो जा रहा है। हर घर जो है कि बनवा दिए लैट्रिन। इससे पहले जो सरकार थी 3.5 लाख लोहिया आवास आ रहा था उसके बारे में तो आप नहीं। आप हमारे ग्राम सभा में भूतपूर्व प्रधान थे रामाश्रय चौहान। इससे पहले प्रधान थे रामाश्रय जी तो 21 से 22 लोहिया आवास लाए थे। 3.5 लाख रुपया आवास में मिला था। इसमें कितना मिल रहा है? आई जो इंदिरा गांधी आवास था जो प्रधानमंत्री नाम दे रहे हैं आप 1,20,000 30,000 40,000 इंदिरा गांधी का देन है। उठा कर देख लीजिएगा आप। आप लोग किसी के सामने सटा देते हैं 5 किलो राशन और ये सब तो नहीं। हम सब योजना को गिनवाते हैं। योजना गिना रहा है सटा का पूछ रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रही है। ये भी तो बताइए कि 10 किलो खदिया कहाँ से कम होगी उसके बारे में बताइए। यानी महंगाई बढ़ गई और खाद कम हो गया। नहीं वो उसके बारे में खाद डाई का दाम जोड़ का दाम कम कर दिए हैं 900 रुपया कर दिए। हम ही दे रहे हैं गैस के बारे में हम ही से पूछेंगे। अब चुनाव आने का ये लॉलीपॉप दे रहे हैं फिर 1200 की जगह पर 1400 में हम ही से बताएंगे गैस का रेट क्या है गैस कैसे दे रहे हैं ले रहे हैं। तो फिर कांग्रेस के देन है कांग्रेस ही से सब फुट के आए हैं लोग चाहे केहू को सपा हो चाहे भाजपा हो को सब चाहे बसपा सुने कांग्रेस ही का देन है। कांग्रेस से सब कुछ बना कांग्रेस फुट कर आएंगे सब अपना। अरे कोरोना का बात की है तो सबको फ्री में सुई लगवा। कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ ये लोग कांग्रेस ही से आए ये लोग कांग्रेस ही से फुट कर आए लोग कहीं सपा बन गए तो कहीं कांग्रेस उठवा भाजपा बन गए कहीं बसपा बन गए कुछ भी निर्दल बन गए सब कांग्रेस ही के देने। क्या कह रहे हैं बोल रहे थे कि कोरोना का टीका लगा। इससे पहले अब तो कब से कांग्रेस की सरकार थी जो चंद्रबिंदी लौक रही है हमारे सबके पास होगी सबकी होगी मगर एक बार भी कांग्रेस के जो भी सरकार में प्रधानमंत्री रहे होंगे उनका फोटो आप नहीं देखे होंगे जो टीका लगता था चाहे जो भी हुआ। जब कोरोना कंपनी जो वैक्सीन बनाई थी वो सकार ली कोर्ट में जाकर कि इससे ब्रेन हैमेज और हार्ट अटैक हो सकता है उसके तुरंत नेक्स्ट दिन मोदी जी अपना फोटो तक उसमें से हटा लिए। बताइए उस पर मोदी की गारंटी नहीं ना थी? अच्छा उस पर नहीं थी जिसको लगी थी उसकी गारंटी नहीं थी? बताइए चलिए का सजा मिलनी चाहिए ना जो ये काम करवाया है उसके लिए। कांग्रेस ही कैसा देन है कि सब कुछ किए और सब कुछ मतलब ये लोग अपना पक्ष पूरी कर। चलिए चाचा क्या नाम है? मुनीत चौहान। चौहान जी हैं तो क्या लगता है किस ओर ढक रहे हैं आप लोग? हम हर में सारे सपा और रहना सपा वाला रही सपा। आप लोगों का कब नेता बने ले बा? सपा नेता ना बोले जीतल है ना जीती फिर जीती सपा। विकास करे ले आप लोगों का? हाँ विकास करे। आवास वास मिलल है? आवास वास आवास तो उनके उद्यम में मिल ही रहे सपा में मिलल है आवास। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ ना मिलल चौहान समाज जाए जो ना सपा के तरफ। चलिए दो लोग और हैं क्या नाम है चाचा? हम राजभर। राजभर जी हैं? जी हैं। छड़ी पे यानी कि कमल पे जाएंगे आप लोग ना? तो नहीं नहीं हम सपाई सपाई हैं। राजभर होके सपाई? अरे तो से का मतलब अरे पूरे दुनिया में अगर किसी राजभर बिरादरी को अगर कोई जगाया तो ओम प्रकाश राजभर हैं। जगाया तो जगाया। आप लोग ओम प्रकाश राजभर के तरफ नहीं जाएंगे? नहीं। लीजिए भैया अपने नेता को छोड़ रहे हैं सभी लोग अपने सभी बिरादरी अपने नेता को पकड़िए तो आप लोग चली बिरादरी पर नहीं सरकार चली काम पर नहीं चलेगी कि बिरादरी पर चलेगी। अच्छा एक चाचा जी एक सवाल आपसे देखिए अब तो जो ना सबका सिंबल मिल गया है निर्दल से जो ना कि अफजल अंसारी का लड़की बानी उनके छड़ी मिल गए आ सपा से जो ना कि मिल गया सैकिल अब तो जनते बानी तो हर एक सबके मिल गए लेकिन निर्दल से जो हुआ उनका लड़की छड़ी तो राजभर समाज जब भी जाए जब भी तक छड़िए ना खोजियो मन तो वोटवा कट जाए भाजपा का। अरे भाई जो हमन के निशान मिली सपा से ये चाहिए मौका पर हमन के सपा के जान जाए जान रहे हैं चाचा का नाम बाप को बड़ा नीचे बैठे चौहान का लगा था केकर माहौल लगा
केकर मन के घर पर बैठल केकर माहौल का दौरे करा तब ना मालूम पड़त। अच्छा विकास उकास भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में विकास भल है हमारे के भैया विकास उकास ना भैया। किधर आप लोग जाते जाल जला किधर मने करेला उधर दे दल जला वोटिंग दे ले से मतलब है क्यों ना रहा जी तो क्यों वोट दल जाये चाहे मोदी सरकार के दल जाए कांग्रेस के कोनो गारंटी ना बा। जिधर बटमिया टिपा जी अखिया मून के हाँ मोदी सरकार 5 करोड़ राशन दे करके हर महीना में किसानों का 5,000 ले लेना। हाँ चलिए साथियों जो है कि सच सभी तक खंगालने के लिए आया था गांव में और शहर आपके शहर में और आपके मार्केट में कि आखिरकार 2024 के चुनाव में क्या माहौल चल रहा है और इस बार किसकी सरकार बनेगी आप भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।